आप देख सकते हो सामने बोर्ड पे शहीद करतार सिंह सराभा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये देखो ये जो पूरी बिल्डिंग है ना दोस्तों, ये आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो अभी सुबह के 3 बज चुके हैं और कुछ ही देर में मेरी ट्रेन है अमृतसर एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं नासिक रोड से डायरेक्टली लुधियाना जाने वाला हूँ। मेरे कॉलेज शहीद करतार सिंह सराभा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दोस्तों ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो 4 बजे निकली ट्रेन। तो अभी 4-5 घंटे की नींद के बाद अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो चलो अभी चाय वाय लेते हैं। ए समोसे समोसे। हाँ तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस बार मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस पूरे बॉक्स में मैं अकेला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं यार। हेलो दोस्तों, तो अभी हरडा स्टेशन लगभग 11:30 बजे हरडा स्टेशन पे पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। दोस्तों जेन्युइनली बता रहा हूँ, बट मैंने इससे घटिया ट्रेन अभी तक नहीं देखी थी यार। बॉक्स वगैरह रहता है, बट यहाँ पर इतना, मतलब आप क्या ही बताओ। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो यार, यहाँ पर ये देखो यार, डब्बे भी कैसे बने, मैंने अभी तक तो नहीं देखी इतनी घटिया सारी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम पटियाला पहुंच चुके हैं, तो और 3 घंटे में लुधियाना हम पहुंच जाएंगे। बस फिर मिलते हैं। दोस्तों फाइनली हम लुधियाना पहुंच गए। पास में ही अब सरदार की नज़र आने लग गए, आएंगे भी क्यों नहीं, पंजाब में जो है हम लोग। दोस्तों मुझे यहाँ से और 12 या 13 किलोमीटर जाना होगा बस से, उसके बाद मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ। हाँ फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज। मेरा दोस्त आ गया मुझे लेने, पार्शो। हाय गाइस। हेलो, तो चलो अब जहाँ से आपको पहले मैं शहीद करतार सिंह जी की स्टैचू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर शहीद करतार सिंह जी का स्टैचू बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, इस मतलब चौक जैसा है। यहाँ पर लुधियाना वगैरह जाने के अलग अलग से रास्ते यहाँ पर, और कॉलेज के ठीक सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ये रास्ता ठीक सामने कॉलेज के सामने जाता है। दोस्तों स्टैचू के ठीक सीधे जाकर कॉलेज आता है, सामने कॉलेज है, इस साइड खाने के ठेले लगते हैं, और आप देख सकते हो ये ग्राउंड ठीक सीधे। दोस्तों ये ठीक कॉलेज के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, शहीद करतार सिंह सराभा जी को ये अर्पित किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर बाजू में बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल पार्क जैसा बनाया है, और उस साइड जिम वगैरह भी है। तो शाम के टाइम पर यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने मिलती है, बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं, यहाँ पर बाजू में ही हॉस्टल है। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे एक ही कैंपस में आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज है, और आपको आगे में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखाता हूँ हमारे कॉलेज का। तो देखो दोस्तों ये हमारे कॉलेज का गेट है, एंटर। आप देख सकते हो उधर दिया हुआ है नाम, शहीद करतार सिंह सराभा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और उधर हमारी भी बिल्डिंग है,
आप देख सकते हो यहाँ पर शहीद करतार सिंह सराबा चैरिटेबल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दोस्तों यहाँ पर। ये देखो एम्बुलेंस वगैरह, तो आपको हम आगे दिखाते। ये देखो पेशेंट अभी तक बैठे हुए, अभी शाम के 4 बज चुके हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर के बाद यही मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस में से आती है शहीद करतार सिंह सराबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आपको आगे सामने हमारी आयुर्वेदिक की बिल्डिंग है, ये देखो यहाँ पर भी करतार सिंह सराबा जी का स्टैचू, और यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है। सुबह यहाँ पर रोज अरदास होती है। यहाँ पर देख सकते हो ये नर्सिंग की बिल्डिंग है, ये देखो ये पूरी बिल्डिंग नर्सिंग की है। और दोस्तों ये है हमारी आयुर्वेदा की बिल्डिंग, आप देख सकते हो सामने बोर्ड पे शहीद करतार सिंह सराबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये देखो ये जो पूरी बिल्डिंग है ना दोस्तों, ये आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर लड़के कॉलेज के बाद थोड़ा सा चिल करते, ये पूरा कैंपस है यहाँ पर, मतलब इसी कैंपस में नर्सिंग डेंटल इतने और आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट, और उस साइड गर्ल्स हॉस्टल है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, देखो बाकी डिपार्टमेंट्स तो अभी मुझे भी पता नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि कौमार भृता डिपार्टमेंट, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग डिपार्टमेंट, और भी है आगे। यहाँ पर है अगत तंत्र एवं विधि वैद्य का डिपार्टमेंट, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है। शरीर क्रिया डिपार्टमेंट, शरीर रचना डिपार्टमेंट, हाँ ये पता है मुझे, शरीर क्रिया डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी और शरीर रचना डिपार्टमेंट एनाटॉमी, ये बाकी के द्रव्य गुना डिपार्टमेंट वगैरह, मतलब समझ लूँगा अभी जल्दी ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अब सरदार जी के यहाँ पर हम बर्गर खाते और फिर निकलते हैं। सरदार जी क्या क्या बनता है और आपके पास? हमारे पास कुलचा होता है, हाँ कुलचा है, हॉट डॉग है, बर्गर है, टिक्की है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज के सामने ही मतलब बहुत 3-4 स्टॉल लगते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर खाने के लिए बनाते हैं। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।